प्रचोदया ओम श्री गणेश जय श्री कृष्ण भक्तों पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है गणपति महाराज की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बने रहे आज हम पौष मास महात्मे के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे देवऋषि नारद जी ने पूछा कि हे भगवान अब मैं गणेश खंड को जो मनुष्यों के लिए संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप और गणेश जी के जन्म वृतान से परिपूर्ण है सुनना चाहता हूँ हे जगदेश्वर भला पार्वती जी के शुभ उदर से सूर्यश्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई किस प्रकार पार्वती देवी जी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया गणेश जी किसी देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा वे अयोनिश थे अथवा किसी गर्भ से उत्पन्न हुए थे उनका ब्रह्म तेज कैसा था वे कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था जगदेश्वर नारायण शंभु और ब्रह्मा जी के रहते हुए संपूर्ण विश्व में सबसे पहले उन्हीं की पूजा क्यों होती है वह हाथी के मुख वाले एक दंत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए हे महाभाग, पुराण में उनके जन्म का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर और अत्यधिक विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कोतुहल हो रहा है श्री नारायण जी ने कहा हे नारद मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ सुनो वह पाप संताप का हरण करने वाला संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला समस्त मंगलों का दाता सार रूप, निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर सुख प्रीत मोक्ष का बीज और पापों का जड़ सहित नाश करने वाला है दैत्य द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेज राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई उस समय उन देवी का नाम था सती। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिवजी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और फिर शैल राज की प्रिया पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया पर्वत राज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया तब महादेव जी उनको साथ लेकर निर्जन वन में चले गए वहाँ बहुत लंबे समय तक शंकर जी और पार्वती जी का विहार चलता रहा जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की तब भगवान शिव विरत हो गए उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा जिससे स्कंद कार्तिके उत्पन्न हुए तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की जिस पर महादेव जी ने कहा पार्वती जी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ सुनो उससे आपका कल्याण होगा क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्ध होते ही हैं, मैं आपसे जिस उपाय का वर्णन करूँगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप परम मंगलदायक और मन को हर्ष प्रदान करने वाला है हे ने आप श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा इस व्रत का नाम पुण्यक है यह महा कठोर बीज कल्प तरु के समान अभिष्ट सिद्ध करने वाला उत्कृष्ट सुखदायक पुत्र प्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है प्रिय जैसे नदियों में गंगा देवताओं में श्री हरि, वैष्णव में मैं, मैं अर्थात शिव देवियों में आप वर्णों में ब्राह्मण तीर्थ में पुष्कर पुष्पों में पारी पत्रों में तुलसी दल पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि वारों में पुण्यप्रद रविवार मासों में मार्गशीर्ष ऋतुओं में बसंत बत्सरों में संवत्सर युगों में कृत युग पूजनीय में विद्या पढ़ाने वाले गुरु गुरुजनों में माता आप में साध्वी पत्नी विश्वस्तों में मन धनों में रतन प्रिय जनों में पति बंधु जनों में पुत्र वृक्षों में कल्प तरु फलों में आम का फल वर्षों में भारत वर्ष वनों में वृंदावन स्त्रियों में शत्रु पुरियों में काशी तेजस्वियों में सूर्य दैत्य में बलि, साधुओं में प्रहलाद दानियों में धरीची अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र चक्र में सुदर्शन चक्र मनुष्य में राजा रामचंद्र और धन में लक्ष्मण श्रेष्ठ है तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार समस्त जीवों द्वारा सेवनीय सबके बीज रूप सर्वाभिष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप हैं उसी प्रकार यह पुण्य व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है इसीलिए महाभागे तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो यह तीनों लोकों में दुर्लभ है इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है जिनके दर्शन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री कृष्ण की सेवा करता है वह भारत में अपने जन्म धारण को सफल कर देता है उसका जन्म सार्थक हो जाता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ लोक को जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुख पूर्वक आनंद का उपभोग करता है वह भक्त अपने भाई बंधु बांधव अपनी पत्नी और अपनी पीढ़ियों का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है इसीलिए हे गिरजे तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और, और उस व्रत काल में इस मंत्र का जाप करो क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच और स्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया हे मुनि उसके बाद उन्होंने, उसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि और नियमों का भी वर्णन किया श्री नारायण जी कहते हैं नारद पुण्य व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरम्भ कर दिया देवी पार्वती जी बोली हे नाथ आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ करुणा के सागर और प्राग पर है इस व्रत का सारा विधान मुझसे बतलाइए प्रभु कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं इसका समय क्या है किस नियम का पालन करना होता है इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है यह सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए साथ ही एक उत्तम पुरोहित पुष्प एकत्रित करने के लिए एक ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृतियों को भी नियुक्त कर दीजिए अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं, जिन्हें मैं नहीं जानती हूं, वो सब भी उपलब्ध करा दीजिए। क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है स्त्रियों की तीन अवस्थाएं होती हैं: कौमार युवा और वृद्धा कुमार अवस्था में पिता युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं तब श्री महादेव जी ने कहा देवी मैं इस व्रत की विधि नियम फल और व्रत में उपयोगी द्रव्यों, द्रव्यों और फलों का वर्णन करता हूँ सुनो इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लेने के लिए सौ शुद्ध ब्राह्मणों को सामग्री जुटाने के लिए सौ भृत्यों और बहुसंख्यक दासियों को और पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार जी को जो संपूर्ण व्रत की विधि के ज्ञाता वेद वेदांत के पारंगत विद्वान हरि भक्तों में श्रेष्ठ ज्ञानी और मेरे ही समान है नियुक्त करता हूँ तुम इन्हें ग्रहण करो देवी शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए हे प्रिय माघ मास के शुक्ल त्रयोदशी तिथि के इस व्रत का आरंभ शुरू हो जाता है उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत के आरंभ करने से एक दिन पहले उपवास करे और शरीर को अत्यधिक निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे फिर हरि स्मरण पूर्वक आजन्म करके पवित्र हो जाए फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर शीघ्र ही घर लौटकर आ जाए और वहाँ धूली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करें फिर पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्ण करें स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करें फिर वेद विधि से व्रत का संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करें। फिर सुहाग और श्रृंगार आदि की सामग्री सहित समर्पित करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले देवी पुत्र प्राप्ति के लिए कुषमाण्ड नारियल जाम्बेर फल और श्री फल इन फलों को श्री हरि के आगे अर्पित करना चाहिए फिर श्री हरि की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नवेद्य का भोग लगाना चाहिए हे पार्वती इस व्रत में श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदित करना चाहिए व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन्य धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन एक सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए हे देवी प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई सौ अंजलियां अर्पित करें और भक्ति की वृद्धि के लिए सौ बार प्रणाम करना चाहिए हे सुप्रते, व्रत काल में छह महीने तक हविश्यात्र अन, पांच महीने तक फलाहार और एक पक्ष तक हवि का भोजन करें। और एक पक्ष तक केवल जल पीकर ही रहना चाहिए अग्नि देव के लिए सौ अखंड रतन दीपों का दान करना चाहिए रात में कुशा का आसन बिछाकर कर नित्य जागरण करना उत्तम है देवी इस प्रकार व्रत के भले भांति पूर्ण होने पर फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए उस समय 360 जो वस्त्रों से ढकी हुई और भोजन के पदार्थ यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो दान करना चाहिए 1360 ब्राह्मणों को भोजन और 1360 हजार तिल की आहूतियाँ देने का विधान है फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक एक हजार तीन सौ साठ स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भी देनी चाहिए इसके अलावा व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा देवी इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है श्री हरि के समान तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य पति सौभाग्य ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति भी होती है इसीलिए हे देवी आप भी इस व्रत का अनुष्ठान करो साध्वी, आपको पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए आज का अध्याय यही समाप्त हुआ अगले अध्याय में भगवान शिव ने देवी पार्वती को पुण्य व्रत की कथा सुनाई जिसका वर्णना अगले अध्याय अध्या अध्या में सुन, सुन पाएंगे आइए, आप, आप सुनते हैं श्री गणेश चालीसा जय गणपति सद गुण सदंग कविवर बदन कृपाल विघन हरण मंगल करण जय जय गिरी जय 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 गिरे जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरण करण शुभ काजु जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता तुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन राजित मणिमुक्त नूरमाला शिर नयन विशाला पुस्तक पाणी, कुठार त्रिशूल मोदक भोग सुगन्धित पूलम् सुन्दर पिताम्बर तन् साजित चरण पादुका मुनि राजित धनि शिव सुवर्ण भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता रिथ सि तब सुधारे मोशक वाहन सोहत द्वारे शुभ कथा तुम्हारी पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज राज पुत्र हेतु तब किन हो भारी भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुरूपा तब पहुँच तुम धरे द्विज रूपा अतिथि जानी कई गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करे तुम्हारी अति प्रसन्न हवै वर दिन मा तु तो पुत्र हित जो तप के मिल ही पुत्र तुहि ही बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवान अस कही अंतर धान रूप वहि पलना पर बालक स्वरूप वही बनी शिशु रुदन जब ही लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गा वही, नभते सूर भूमा बहुदान लुटावही मुनि जन सुत देख आनंद मंगल साजा देखन भी आय शनि राजा निज गुण गुणी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो कहन लगे शनि मन सकुचाई का कर हाँ शिशु मोह दिखाई नहीं विश्वास शनि सो बालक देखन कहयो पढ़ते ही शनि दृघ कोण प्रकाश बालक सिर उड़ गयो आकाशा गिरजा गिरी विकल वही धरणी सो दुख तशा गयो नहीं वरणी हाँ हा हा मचियो कैलाशा शनि किन्ह लखी सुत का नाशा तुरत गरुण चढ़ी विष्णु सिधाए काट चक्र शिर लाए बालक के धड़ ऊपर धारियो प्राण मन परीक्षा जब शिव किन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिण लीन चले शन भर में भुलाए रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय चरण मातु पितु के धर लीन है तीन के साथ प्रदक्षिण किन्हीं धनी गणेश कही शिव ही हर्ष नभते सुरन सुमन बहु बरसे अगर आज की यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा